अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा भेजे गए पूजित अक्षत कलश आमंत्रण के रूप में सिहोरा में भेजे गए हैं, जिससे 28 दिसंबर को सिहोरा ग्राम में भेजे गए हैं, जिससे सम्मानजनक पूजा कर दुर्गा माता मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया। 29 दिसंबर को दुर्गा माता मंदिर बाजार चौक से अक्षत कलश आमंत्रण यात्रा निकाली गई, जो घर कर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देगी। हिंदू धर्म में अक्षत कलश के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब प्रभु राम भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, तो 500 वर्ष बाद प्रभु रामलाल के घर लौट के साक्षी बनकर घरों और मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर भजन कीर्तन कर प्रभु रामलाल का स्वागत करें। इस भाव के साथ सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों द्वारा 29 दिसंबर को 11 बजे दुर्गा माता मंदिर से अक्षत कलश यात्रा गांव में निकाली गई, जो हनुमान मंदिर होते हुए साई कॉलेज से मुख्य मार्ग होते हुए बैंक ऑफ इंडिया गुजरे चौक हनुमान चौक झंडा चौक होते हुए गांव भ्रमण कर पुनर्दुर्गा माता मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में आरती कर कलश यात्रा की समाप्ति की गई। इस कलश यात्रा में दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्टी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ग्राम की महिला मंडल एवं सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। एनबीसी न्यूज के लिए सिहोरा से रणदीप नेमा की रिपोर्ट।